नमस्कार दोस्तों, एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लाडली आवास योजना की जो नई लिस्ट आई है उनके किन किन के नाम हैं, कैसे पता करना है और किन किन को आवास मिलेगा। ठीक दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमारा ये चैनल है एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कि हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल को खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम IAY। ठीक है दोस्तों, तो लाडली बहन आवास की जो लिस्ट है नई, उसको कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे IAY और सर्च कर देंगे। जैसे हम IAY सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे लिखा दे रहा होगा FTO ट्रांजेक्शन समरी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होम दिखाई देगा, अबाउट स्टेक होल्डर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी नंबर पे स्टेक होल्डर दिखाई देगा, इस पर हम स्टेक होल्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्टेक होल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा और दे रहा होगा बेनिफिशरी। जैसे हम बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने इस तरह से निकल के ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होगा नहीं, किसी के पास भी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि फार्म तो सेक्रेटरी के माध्यम से ऑनलाइन हुए थे, तो आपको तो पता नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या करना होगा, यहाँ पे दिखा दें हम एडवांस सर्च। हम जैसे ही एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटेल फिलअप कर लें। जैसे हम स्टेट चूज़ करेंगे, स्टेट चूज़ कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और एक इसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चूज़ कर लेंगे। जैसे हम कोई भी ज़िला एक चूज़ कर लेते हैं, किसी भी ज़िला को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कर लिया है, ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक जो भी हो ब्लॉक को कर लेते हैं, ब्लॉक कर लिए पंचायत कोई भी हो, जैसे अच्छा कोई भी पंचायत वगैरह हो आप इसको कर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं और स्कीम कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवास, ठीक है, योजना जो है ना यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना। ठीक है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे बगल में ईयर यानी कौन सी साल की आप लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हालांकि 2023 ही लिस्ट रहेगी क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एक चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर और कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट सर्च करें, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करें। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से सबके नाम वाम लिख के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाम आ जाएगा, यहाँ पे बेनिफिशरी आईडी आ जाएगी, यहाँ पे बेनिफिशरी नाम वो नाम आ जाएगा और यहाँ पे फादर्स नेम, BBL नंबर और कभी क्या क्या हो, कितनी लिस्ट डल चुकी है यहाँ पे सब। अभी किसी के लिए कोई लिस्ट नहीं डली है और अभी किसी के पास कोई रुपये नहीं गए हैं, तो आप इस तरह से लिस्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह लिस्ट वही है अभी जो लिस्ट अभी उन्होंने फिट किए हैं सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि अभी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई थी लाडली बहना आवास योजना। तो दोस्तों, हम उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें अभी केवल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और बाकी कुछ नहीं हुआ, अभी ना लिस्ट डली है ना कुछ हुआ है। तो दोस्तों,
अभी इसमें से भी आप छटे कुछ छटे जाएंगे, इसमें से अभी भी नाम कुछ छाटे जाएंगे कि किन किन को आपको वेरीफाई करना है, किन किन को, क्योंकि वेरीफाई तो सभी हो चुके, मतलब यानी सबके मतलब रजिस्टर होगी। आप चेक करेंगे, घर पे जाएंगे वो अधिकारी, वो चेक करेंगे कि क्या इनके इनको आवास वास्तव में मिला है या नहीं मिला है, तो इनको नाम मतलब मिलना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पर ही अगला वीडियो बना देंगे, इस पर कमेंट करना कि हमें इस पर अगला वीडियो चाहिए। और जो मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री आए हैं उनका क्या रहा है, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी योजना रद्द नहीं होगी, सब योजना चालू रहेंगी और किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो लाडली बहना आवास पर ही बनाएंगे, किस तरह से किस्तें चेक करने कि कितने रुपये आएंगे, और लाडली बहना जो योजना है तो उस पर 3.0 पर